इसमें जो है हम जहां तक परमाणु सिद्धांत को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है परमाणु क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना घटित हुए भाग लेता है, और परमाणुओं के संयोजन से ही अणु का निर्माण होता है। अर्थात जो है ऑक्सीजन ओ है तो क्या है परमाणु है, यदि ओ2 कर लिया जाए तो क्या हो गया अणु हो गया। तो इसी को जो परमाणु को जो है विस्तृत रूप से जो है बताने के लिए सबसे पहले जो है डॉक्टर नाम के वैज्ञानिक ने अपने जो है प्रयोगों के आधार पर इसके सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जिसकी फर्स्ट पॉइंट जैसे देखा जाए कि परमाणु क्या है, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। परमाणु प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो अर्थात परमाणु क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। परमाणु अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। फिर इसके बाद जो है परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है, परमाणु वह सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा कण है जिसे हम पुनर्विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात परमाणु को जो है छोटे टुकड़ों में बांटा ना जा सकता है, डाल्टन के अनुसार सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता, और यह रासायनिक अभिक्रियाओं में उसी तरह भाग लेता है बिना घटित हुए ज्यों का त्यों भाग लेता है। तो अर्थात ये जो है अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है, अविभाज्य, अविभाज्य कण। ये डाल्टन के अनुसार डाल्टन क्या कहेंगे, परमाणु अविभाज्य और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए भाग लेता है। फिर उसके बाद जो है इसकी तीसरी पॉइंट को देखा जाए तो ये कई तत्व के परमाणु द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में क्या होते हैं, समान, एक ही तत्व के परमाणु। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जिन जिन यौगिकों में पाया जाएगा तो उनके जो है गुण धर्म सभी यौगिकों में ऑक्सीजन के क्या होंगे, समान होंगे, चाहे जल में हो चाहे और किसी कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन हो, उसके गुण धर्म जो है क्या होंगे, एक जैसे होंगे। ये जो तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट क्या करेंगे, एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में, द्रव्यमान और अन्य सभी गुणों में समान होंगे। फिर उसके बाद जो है दो या दो से अधिक तत्वों के सरलगुणित अनुपात, दो या दो से अधिक तत्वों के सरलगुणित अनुपात को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए ओ है और ये ओ है, ये दोनों जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ओ2 हो गया। ओ2 को हम क्या कहेंगे, या एक अणु है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अर्थात परमाणु जो है सबसे छोटा कण है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था। फिर उसके बाद जो है इसमें देखेंगे आधुनिक परमाणु सिद्धांत, आगे वाला टॉपिक क्या है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत। आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्यों आया, क्योंकि इनके जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ कमियां थी, उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और इसमें जो है जो कमियां थी, ये डाल्टन क्या कहते थे कि परमाणु अविभाज्य है और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना घटित हुए ही भाग लेता है। लेकिन बाद में जो वैज्ञानिक है जॉनसन चैडविक रदरफोर्ड, जॉनसन रदरफोर्ड चैडविक ने इस परमाणु को जो है तीन मूल कणों में बांट दिया, इस तरह से जो है इसके सिद्धांत का खंडन हो गया, जिसको जो है हम अगली वीडियो में आधुनिक परमाणु सिद्धांत को बताएंगे। आज के लिए बस इतना रहेगा, धन्यवाद।